हेलो कंटिन्यू कर सकते हैं चैप्टर। ठीक है, अर्थ एज अ प्लेनेट, अर्थ एज अ प्लेनेट। तो सर एक पार्ट तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप एक बार देखें, उसके बाद भी कंटिन्यू करें। ठीक है, अदरवाइज आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट वीडियो में यहाँ तक तो हो चुका है, अब हम इसका ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द अर्थ एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, द अर्थ एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या मीनिंग इस हेडिंग का, देखते हैं इसे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली द अर्थ इज द सेकंड एट द पोल्स एंड बल्ज इज एट द इक्वेटर। वो कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो पोल्स पर तो बिल्कुल फ्लैट है, पोल्स पर तो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, लेकिन इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर से बल्जिंग है। इक्वेटर से कैसे है, बल्ज करके, बल्जिंग मतलब बाहर आते हुए दिखाई देती है। बल्ज मतलब क्या, बाहर आते हुए दिखाई देना। इक्वेटर पे तो ये बाहर आते हुए दिखाई देती है और पोल्स पर एकदम फ्लैट दिखाई देती है। कंसिक्वेंटली दिस अनयूजुअल शेप हैज इन मोर एप्टली डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। वो कह रहे हैं इसी अनयूजुअल शेप को कि एक की दो साइड ये फ्लैट है और बीच में से बाहर आ रही है, इसी अनयूजुअल शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या एट द इक्वेटर, इक्वेटर ना बीच में जहाँ से थोड़ा बल्जिंग दिखाई देता है हमें। एट द इक्वेटर द अर्थ अर्थ डायमीटर मेजर 12,756 किलोमीटर, वाइल एट द पोल द डायमीटर इज 12,714 किलोमीटर, गिविंग अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि एक अगर डायम अगर आप इक्वेटर पर डायमीटर चेक करोगे तो उसका डायमीटर इतना आएगा और पोल्स पर चेक करोगे तो इतना। याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं आपसे इक्वेटर पर डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, इतना। पोल्स पर कितना होता है, इतना। डिफरेंस कितना होता है, 42 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कौन सा फोर्स है देखते हैं आगे, बता नहीं पा रहा, बस अभी तक आप कितना याद रखना है बता रहे कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस जिस रीजन की वजह से था उस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सर ये फोर्स, ये पावर आती भी कहाँ से, ये फोर्स क्रिएट भी कैसे होता है, ये फोर्स भी कैसे क्रिएट होता है, हमारे अर्थ के रोटेट होने से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तस्वीर मैंने पहले पढ़ा दिया है, चैप्टर मुझे ज्यादा ध्यान आ रहा है। देख लेना, मैंने बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया है तो इस चैप्टर में आगे आएगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसे आपको कहीं पर डिस्कस किया है आपके साथ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं, द इक्वेटर रिमेंस अ सर्कल, द इक्वेटर रिमेंस अ सर्कल एंड इन फैक्ट इट इज द ग्रेटेस्ट सर्कल इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। वो कह रहा है कि सर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी डायमीटर था, कुछ भी, चाहे फ्लैट सरफेस से ऊपर नीचे कहीं पे भी, बट हम इक्वेटर की बात करें तो बीच में तो वो सर्कल ही रहता है। वो कैसा रहता है, सर्कल रहता है। इन फैक्ट इट इज द ग्रेटेस्ट सर्कल इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। इन फैक्ट पूरे अर्थ में अगर देखा है तो सबसे बड़ा सर्कल वो इक्वेटर पर ही होता है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड इफ अ क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द पोल्स, अगर हमें क्रॉस सेक्शन बनना है पोल्स पर, इट वुड बीन एलिप्स रेदर देन अ सर्कल।
आधा हो जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक आधा सा बन जाएगा, एक आधा चांद जैसा, तो वो सर्कल नहीं बनेगा। हाँ एवर डिफरेंस बिटवीन देम इज नेगेटिव। हाँ डिफरेंस वैसे उनके बीच में नेगेटिव वाले और टोटल साइज ऑफ द अर्थ इज कंसीडर। सर नेगेटिव तुम कहने 42 किलोमीटर ज़्यादा होता है। हाँ 42 किलोमीटर ज़्यादा होता है, बट एज कम्पेयर टू, अगर आप ये ऐसे देखोगे एज कम्पेयर टू 12,756 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर बहुत कम है, बहुत कम है। उसके परसेंट अगर परसेंटेज निकालोगे तो 1% से भी कम रहेगा ये, तो ऑलमोस्ट है नेग्लिजिबल हो गया। इस पर ध्यान भी नहीं हम देंगे, कभी कम से जाएगा। हाँ तो वो कह रहा है ठीक है, डिफरेंस जो है वो बेशक क्या है नेग्लिजिबल है। तो कह रहा है कि इक्वेटर जो होता है वो क्या रहता है, सर्कल ही रहता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा सर्कल है ये। हाँ अगर आप क्रॉस सेक्शन क्रिएट करते हो वहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा एक ही एलिप्स बन जाएगा, ना कि सर्कल, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अगर हम टोटल साइज को कंसिडर करें, नहीं तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि नेग्लिजिबल रहता है इस कंप्यूटर टू वॉट। द अर्थ शेप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, विच लिटरली मीन्स अर्थ शेप और ऑर्बिट स्फेरॉइड। वो कह रहे हैं अर्थ की जो शेप है उसका एक और नाम होता है, क्या होता है, जियोइड। मतलब क्या, अरे वो अर्थ की शेप या फिर ऑर्बिट स्फेरॉइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी को अगर रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, तो पूरा पैराग्राफ का नाम क्या था, अर्थ एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो बताया गया इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि अर्थ की शेप क्या होती है। उन्होंने बताया कि अर्थ की एक स्पेसिफिक शेप होती है। स्पेसिफिक शेप मतलब क्या होती है, कि टॉप पर और बॉटम पर तो फ्लैट होता है। टॉप और बॉटम मतलब क्या, पोल्स पर तो एकदम फ्लैट होता है, पोल्स पर क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। और सेंटर में थोड़ा थिक होता है, सेंटर में क्या होता है, थिक होता है, यानी कि बल्जिंग होता है, थोड़ा सा सर्कल शेप में होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, बाहर से निकलता है, आज बाहर दिखाई बहुत देता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शेप है ना, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड भी बोलते हैं। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इक्वेटर पर बात किया, तो इक्वेटर पर अर्थ का डायमीटर कितना होता है, 12,756। पोल्स पर देखें तो 12,754। जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी नेगलिजिबल होता है, और जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट किसकी वजह से होता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। और जो फोर्स किस वजह से क्रिएट होता है, तो फोर्स खुद रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। ध्यान रखना एग्जाम में वर्ड रोटेशन है ना कि रेवोल्यूशन, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों का। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, द अर्थ यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, देखते हैं सर किस यूनिकनेस के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ध्यान रखना है ये कि सर सन से अगर हम दूरी की बात करें, सन से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, थर्ड नंबर पर जो प्लैनेट आता है वो कौन सा आता है, सन से, अर्थ है ना। इट इज ऑल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी देखा जाए, सोलर सिस्टम में भी देखा जाए तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। तो याद रखना ये चीज़ें हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास की। द सोलर सिस्टम हैज द सन, द सोलर सिस्टम हैज द सन इट इज सेंटर। वो कह रहा है सोलर सिस्टम जो है उस सोलर सिस्टम में जो सेंटर में ना, सेंटर में जो सन होता है, इट इज सराउंडेड बाय प्लैनेट्स। और ये किससे सराउंड होता है, ये किससे घिरा हुआ होता है, ये किससे कवर्ड होता है, प्लैनेट से, सेटेलाइट से, एस्टेरॉइड से, मीटियोर से, कॉमेट से, ठीक है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी आती है, जो लाइट आती है, उसके लिए कौन सा आती है, सन से ही आती है। सन इज द ओनली सोर्स, सन इज द ओनली सोर्स तो नहीं कह सकते, बट सन इज द सोर्स कह सकते हैं अभी, है ना। हल्का ओनली क्यों नहीं कह सकते, आपको बाद में मालूम पड़ेगा, अभी नहीं। फिर लिखा हुआ है द अर्थ लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ वेनस एंड मार्स। वो कह रहे हैं तो अर्थ, अर्थ की जो पोजिशन है, अर्थ कहाँ पर होता है, अर्थ कहाँ पर होता है, बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ वेनस एंड मार्स, वेनस और मार्स के ऑर्बिट्स के बीच में। द एवरेज डिस्टेंस बींग अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, विच इज एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
वो कह रहा है सर अब ये बता दूरी बता दूरी जरा, ये तो आपने पोजीशन बता दी कि पोजीशन तो वीनस और मार्स के बीच में है, लेकिन सन से अगर दूरी करते हैं तो वहाँ पे हो तो थर्ड प्लेनेट है। अरे कितना दूर है ये तो बताओ। तो वो कह रहा है ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है ना वो 150 मिलियन किलोमीटर का है, 150 किलोमीटर नहीं 150 मिलियन किलोमीटर एयर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, और जो कि क्या एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है, क्या है ऑप्टिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, एक सही डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर पास है ज़्यादा दूर है। हेंस द सन इज नाइदर टू हॉट लाइक वेनस और मरकरी नॉट टू कोल्ड लाइक जुपिटर एंड अदर आउटर प्लैनेट्स। तो वो कह रहे हैं क्योंकि ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है इसलिए ना तो ये ज़्यादा पास है, क्योंकि ज़्यादा पास तो ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं है वीनस और मरकरी की तरह है, क्योंकि वीनस और मरकरी पास में है ये बहुत गर्म होते हैं, और ना ही जुपिटर और अदर आउटर प्लैनेट्स की तरह ठंडे हैं, क्योंकि दूर होते तो दूर वाले प्लैनेट्स और ठंडे होते हैं, तो ना ही उनकी तरह ठंडे हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो ऑन द सन लेफ्ट साइड इज अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। सन जहाँ पर गिरता है उस साइड का अगर आप एवरेज टेम्परेचर देखें एवरेज तो वो कितना होता है 17 डिग्री, 17 डिग्री, एक ये बात बताइए यहाँ पे। ठीक है द अर्थ इज यूनिक एज इट हैज एन एटमोसफेयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो कह रहे हैं अर्थ यूनिक है क्यों, क्योंकि ये ना मतलब इसका जो एटमोसफेयर वो काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सर इसमें होने का मतलब है ये एक अच्छी क्वांटिटी कंटेन करता है, अच्छी क्वांटिटी कंटेन करता है। सर किसी अच्छी क्वांटिटी कंटेन करता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन जो कि ऑलमोस्ट 21% है और नाइट्रोजन जो कि ऑलमोस्ट क्या है 78% है। दो अदर प्लैनेट्स हैव देयर एटमोसफेयर टू, बाकी अदर प्लैनेट्स के भी एटमोसफेयर हैं, उनका भी एटमोसफेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हैज सॉरी कॉमा है कॉमे करके लिखा, दे डू नॉट कंटेन मच ऑक्सीजन, पर ज्यादा बट उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हैज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ एज इट इज नीडेड बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। तो कह रहे हैं अर्थ के अंदर तो जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है बस इसी ने लाइफ को पॉसिबल बना रखा है, अदरवाइज तो यहाँ पर कोई अलाइव भी नहीं होता है ना। सर क्यों, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन चाहिए होती है। देर आर ट्रेसेस ऑफ आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। वो कह रहे हैं हाँ भाई सर हमारे यहाँ पे आर्गन भी, आर्गन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाँ ये गैसेस भी हैं नो डाउट। द एटमोसफेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये तो आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, अगर मैंने एटमोसफेयर चैप्टर पढ़ाया है तो स्टार्टिंग बता दिया होगा एटमोसफेयर की डेफिनेशन। एटमोसफेयर कैसे काम करता है, ये एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है अराउंड द अर्थ। सर किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर से मतलब एक ओजोन लेयर बनाता है ये, क्योंकि क्या करता है सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कोई बचपन में ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर पढ़ा हो तो इसी वजह से रेज होता है। लिखा होता है ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। एक हम एक एटमोसफेयर हमारा ओजोन लेयर बना लेता है ओजोन गैस से, ठीक है, जो क्या करता है अल्ट्रा वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सन से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हमारे तरफ नहीं आने देता, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, वो लेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, और उसको अर्थ पर आने नहीं देती है। अगर आ गई, अगर गलती से आ गई तो हमारी स्किन वहीं इमीडिएटली जल जाएगी, वहीं इमीडिएटली बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ओजोन लेयर, ग्रीन गैस कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। द एटमोसफेयर ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कीप द अर्थ वार्म ड्यूरिंग नाइट्स एंड विंटर। वो कह रहे हैं जी जो एटमोसफेयर होता है हमारा वो कहता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को मतलब क्या करता है, जो अनडेवलप्ड जगह है बेसिकली आप उसकी बात कर सकते हो गाँव वगैरह को, वहाँ पर रेडिएशन होती है उनको भी एब्जॉर्ब करता है और अर्थ को थोड़ा वार्म रखता है। कब वार्म रखता है, ठंडी जगह ठंडे टाइम पर, ठंडे टाइम मतलब कि रात में विंटर में, रात में और विंटर में क्या करता है नाइट में और विंटर में करता है थोड़ा वार्म रखता है। द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ रिड्यूसेस द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। और सर क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर एटमोसफेयर है, सर एटमोसफेयर मतलब क्या, एटमोसफेयर मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर ऑफ ऑल काइंड ऑफ नेसेसरी गैसेस। तो हमारे यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ नेसेसरी गैसेस का जो प्रेजेंस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है ना वो रिड्यूस हो गया। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मतलब कि अगर एटमोसफेयर नहीं होता, एटमोसफेयर नहीं होता तो टेम्परेचर बिल्कुल एक्सट्रीम पर होता है, एक्सट्रीम मतलब कि बिल्कुल कॉर्नर पर,
या तो बहुत ज़्यादा कि इंसान जल जाए, या फिर बिल्कुल ही कम इंसान फ्रीज हो जाए, ठीक है। पर एटमॉस्फेयर की ऐसे ये नॉर्मल है, एटमॉस्फेयर की ऐसे टेम्परेचर क्या है नॉर्मल है, ये भी फीचर हो गया यूनिक। यानी देखो किस तरह के फीचर बता रहे हैं, मैं किस तरह से बता रहे हैं। पहला बताया मैं पोजीशन के बारे में, दूसरा मैं बताया एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। दूसरा बताया ये आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर के बारे में। तीसरा देखते हैं, अनदर यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ इज द एबंडेंस ऑफ वाटर। सबको कह तीसरा वाटर, वाटर बहुत, यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन एंड सीज। ऑलमोस्ट 70% जो है ना अर्थ का सरफेस वो वाटर बॉडी से कवर्ड है। देयरफॉर द अर्थ इज समटाइम कॉल्ड द वाटरी प्लेनेट और द ब्लू प्लेनेट। इसीलिए कभी कभार हम अर्थ को क्या कहते हैं, वाटरी प्लेनेट या फिर ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और सर जिस जगह पानी हमें दिखाई देता है उस जगह को, उस लेयर को पता है क्या, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाला है। ये वाटर के ऊपर है, वाटर की फॉर्म की बात कर रहा है, वाटर की किसकी बात कर रहा है, फॉर्म की, वाटर के स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पर। वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑन द अर्थ। आप यहाँ पर फॉर्म की स्टेट बॉडी देख लो, आपको ध्यान भी रहेगा जो बुक ने यूज किया है आपके लिए। वाटर का ही है ये, लेकिन स्टेट्स का है, वाटर की स्टेट कैसी होती है उस चीज़ का, ठीक है। वाटर अपीयर्स इन अ गैसेस इन एटमोसफेयर ऑल्सो, वो कह रहा है वाटर सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, गैसेज फॉर्म में भी मिलेगा, हर तरह से मिलेगा। वाटर इज ऑल्सो सेजनेस फॉर सपोर्टिंग प्लांट, ठीक है। एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, पहले ही नहीं बताया गया था, ऊपर नहीं बताया गया था, ठीक है। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, अदर लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ठीक है, उनके लिए जरूरी है। वाटर इन द ओशन हेल्प टू मॉडरेट द टेम्परेचर कंडीशन ऑन द अर्थ विच मेक द सर्कुलेशन वाटरफॉल वाटर पॉसिबल। असर ये लिखा हुआ है कि वाटर जो होता है ना ओशन में, वो भी क्या करता है, वो हेल्प करता है, किसी में हेल्प करता है मॉडरेट करने में, किसी को टेम्परेचर कंडीशन। कैसे करता है ये, तो आपको मैंने वो लैंड ब्रिज सीवरेज वाली प्रोसेस समझाई थी, वहाँ पे कैसे काम होता है, बस वही रीज़न है, वही रीज़न है ना, विच मेक द सर्कुलेशन ऑफ वाटर पॉसिबल, और उसी की वजह से हमारे वाटर का सर्कुलेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आने से बोल जाते हैं, यहाँ पे देखिए तो स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पास मरकरी और वीनस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और थोड़ा बीच में होता है, तो इसका टेम्परेचर का काफ़ी सही होता है, ठीक है ना, एक ऑप्टिमम लेवल पर होता है। नेप्च्यून यूरेनस बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ये तो जमे होते हैं, ये तो बहुत सर्दी होती है यहाँ तो, सन की धूप भी बहुत मुश्किल से आती है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिलाकर 9 है। आपको ये सब चीज़ें होना चाहिए, कैसा है ये कैसा नहीं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट फीचर में ये बात कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया सर। ये द लेयर ऑफ रॉक्स विच फॉर्म द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। वो कह रहा है वो लेयर अर्थ की, वो लेयर जो किससे बनी है, रॉक्स से बनी है, जो किससे बनी है, रॉक्स बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सॉइल लेयर, सर ये हमें सॉइल लेयर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, जिसके वजह से सारी की सारी प्लांट लाइन क्या कर, प्लांट प्लांट लाइफ क्या कर पाती हैं, सस्टेन कर पाती हैं, और वो सपोर्ट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा है कि वो प्लांट्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक सपोर्ट मिलता है। प्लांट्स इन टर्न फिर क्या करते हैं, उनका सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक। प्लांट्स और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, जितनी तरह की लाइफ है अर्थ के ऊपर उनको सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाते हैं। सर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, जिनके वजह से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिल रही है, एक वो तरीका हो गया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह देते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह देते हैं, तो खाने में भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें क्या करते हैं, लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, शेल्टर वगैरह भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल सोर्सेज। लिथोस्फीयर जो है ना
यही सोर्स है हमारा हर तरह के मिनरल्स और रिसोर्सेज को ढूंढने का, यानी जो भी हमें मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो हमें इस लेयर के अंदर मिलते हैं, नीडेड बाय द अस टू सपोर्ट द मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी जो वाला पॉइंट था वो लिथोस्फेयर के ऊपर था। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर के ऊपर आ गया। विच प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द डिस्टेंट द पास्ट एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। वो कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या, यहाँ पे रैंक ऑफ में समझ में आ गया। वो क्या कह रहा है कि हम अगर हम अर्थ को देखें तो बहुत तरह तरह की लाइफ है हमारे यहाँ पे रहती है, बहुत तरह तरह की मेरीन लाइफ हो गई, ह्यूमन लाइफ हो गई, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ अनडिस्कवर्ड भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत तरह की लाइफ हो गई। तो कह रहे हैं इस चीज़ को हमने नाम दे दिया बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बेसिक प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमने कहते हैं अब हमने इस जगह हमने इस चीज़ को वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो जिस एटमोसफेयर में रहते हैं, वो जिस लेयर में रहते हैं, उस लेयर को ना बायोस्फीयर का नाम दे दो। आप उसी लेयर के अंदर ग्रो होंगे, वो उसी लेयर के अंदर इवॉल्व होंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये बायोस्फीयर जो है ना वो क्या करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। एनवायरनमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द डिस्टेंट पास्ट, सर पास्ट में भी इवॉल्व होते हैं और आगे भी प्रोग्रेस करेंगे, आगे भी प्रोग्रेस करेंगे, आगे भी ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड फेवरेबल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड मेड द अर्थ अ हैबिटेबल प्लेनेट। वो कह रहे हैं कि इतने सारे यूनिक फीचर्स अगर देखें, इतने सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें, तो इन सारे फैक्टरों ने क्या किया, हमारे एनवायरनमेंट को फेवरेबल बनाया है हमारे लिए और हैबिटेबल प्लेनेट बनाया है। और क्या कह सकते हो, हैबिटेबल प्लेनेट कह सकते हो। ठीक है, द वेराइटी एंड अबेंडेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मेक द अर्थ अ यूनिक प्लेनेट। वो कह रहे हैं बहुत तरह की वेराइटी होना और बहुत ज़्यादा होना किन चीज़ों का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, अदर तरह की लाइफ का होना, यहाँ पर अर्थ को क्या बना दिया है, काफ़ी यूनिक प्लेनेट बना दिया है। देर आर नो ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन एनी ऑफ द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। वो कह रहे हैं किसी और सिस्टम पर, किसी और सोलर सिस्टम पर, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम या सोलर सिस्टम, किसी और सोलर सिस्टम की बात करें, अगर किसी प्लैनेट की बात करें, जो कि सोलर सिस्टम में जो इतने सारे हैं, वहाँ पर कहीं पर प्रूफ नहीं है, कहीं पर कोई निशान नहीं है कि वहाँ पर कोई लाइफ है, केवल जो लाइफ है उसके निशान है, तो वो ये है कि अर्थ पर ही है। ठीक है, तो फीचर्स आपके कौन कौन से हुए, 6-7 फीचर्स हो गए आपके, याद रखने हैं आपको। पहला पहला पोजीशन के ऊपर हो गया, दो एटमॉस्फेयर के ऊपर हो गए, दो वाटर के ऊपर हो गए, एक लिथोस्फेयर के ऊपर हो गया और एक बायोस्फीयर के हो गया। ठीक है, पाव एल बी कुछ ऐसा आपका ट्रिक बन गई, पाव एल बी आप ध्यान रख सको तो रख लेना, PAAWWLB, पाओ एल बी, लोखंड बाला का पाओ, लोखंड बाला का पाओ, ध्यान रख सकते हो कैसे भी। ठीक है, एंटीपोडल बैलेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, एंटीपोडल बैलेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। एंटीपोडल बैलेंस मतलब क्या, देखते हैं, जैसे एंटीपोडल बैलेंस ऑफ लैंड and also of the water on the directly opposite sides of the earth. Land on one side of the globe is balanced by water on the other side of the earth. नहीं समझ आया? Antipodal का balance का meaning नाम सारा basically क्या कह रहा हूँ? क्या है ना? तो ये earth है। तो earth में आप देखोगे एक side पानी है, एक side land है। तो ये जिस तरह से बैलेंस करे हुए हैं, वाटर और लैंड का जो बैलेंस है, वाटर का जो लैंड का जो बैलेंस है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेम डायरेक्शन में नहीं, अगर आप एक साइड से देखोगे तो नहीं, बस ये लैंड है, उस लैंड के पीछे की तरफ पानी होगा ना, तो इन दोनों के बीच में, दोनों डायरेक्शन के बीच में जो बैलेंस है उसको बोलते हैं एंटीपोडल बैलेंस। और एंटीपोडल बैलेंस ऑफ व्हाट, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर ऑन डायरेक्टली अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, है ना। तो कह रहे हैं इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑप्टी
एंटी पोडल बैलेंस बोलते हैं, एंटी से ध्यान रखना अपोजिट, एंटी मतलब क्या अपोजिट, लैंड ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब इज बैलेंस्ड बाय व्हाट ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, वो कह रहा है सर एक साइड पर जो लैंड का बैलेंस वेट होता है ना, वो दूसरे साइड वाटर के वेट से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। फॉर इंस्टेंस नॉर्थ पोलर आर्कटिक ओशन इज अपोजिट द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्कटिका, वो कह रहा है नॉर्थ पोलर आर्कटिक ओशन जो है वो बैलेंस के हुए है, यानी वो एंटी पोलर बैलेंस बनाए हुए है किसके कंपेरिजन में, ऐसे बोल दो कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्कटिका, एंटार्कटिका में लैंड है वहाँ पे ओशन है तो काफ़ी बना हुआ है। सर लैंड तो नहीं है एंटार्कटिक में, आप कहोगे ओशन है वहाँ पे भी ओशन नहीं बेटा, सारा फ्रोजन फ्रोजन एरिया है, सारा फ्रोजन एरिया है तो वो लैंड ही माना जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या हुआ ये तो दोनों के बीच में क्या बोलेंगे एंटीपोडल बैलेंस है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ग्रेडल्ड, इज ग्रेडल्ड सॉरी इज ग्रेडल्ड बाय द लार्ज लैंड लैंड मासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन यूरेशिया, वो कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो पूरा ग्रेडल्ड हो चुका है, ग्रेडल्ड मतलब कवर्ड हो चुका है किससे, बाय लार्ज मासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन यूरेशिया, यानी नॉर्थ अमेरिकन से यूरोपियन ने यूरेशियन ने कंट्रोल कर रखा है। तो यूरेशिया मतलब क्या, यूरोप प्लस एशिया, यानी नॉर्थ अमेरिका वालों ने यूरोप वालों ने और एशिया वालों ने क्या कर रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या करते हैं ग्रेडल कर रखा है बाय लैंड बाय लार्ज मासेस। फैक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिकॉन्टिनेंटल सेल्फ सीज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन द ट्रॉपिक्स आर दी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया जेनेवा सॉरी बिटवीन बोर्नियो एंड द मेले पेनिनसुला एंड थाईलैंड एंड द गल्फ कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ अमेरिका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज हाइट ऑफ लैंड इज 900 मीटर वाइल द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज 3800 मीटर, ये याद रखना है। एवरेज हाइट ऑफ लैंड मतलब क्या, वाटर लेवल से, वाटर लेवल से अगर ऊपर जो अगर हम एवरेज हाइट देखते हैं वो बेसिकली क्या होती है 900 मीटर, ठीक है। अब वाटर लेवल के अगर अंदर की अगर डेप्थ देखें जो जनरली जनरली एक एवरेज लैंड से होती है वो क्या होती है 3800 मीटर। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुछ एपिक कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरियाज सेल्फ सीज हैं, ठीक है क्या क्या है, है ना सीज है किस किस के बीच में है, वो कह रहा है बिटवीन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू जेनेवा बिटवीन बोर्नियो एंड मेले पेनिनसुला एंड बिटवीन थाईलैंड एंड द गल्फ ऑफ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में कुछ क्या है एपिक कॉन्टिनेंटल सेल्फ सीज हैं। अरे अभी तो पॉइंट रह गए हैं एंटीपोडल बैलेंस के, अभी पॉइंट रह गए हैं थर्ड पॉइंट ही कह रहा है इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया, के सर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, सर साउथ में साउथ अमेरिका आएगा अफ्रीका आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा, द लैंड मासेस ऑफ एंटार्कटिक हैज थ्री प्रोमिनेंट प्रोट्रूडिंग एरियाज, वो कह रहे हैं एंटार्क्टिका में अगर देखे जाए ना एंटार्क्टिका का जो लैंड मास है वहाँ पर तीन परमानेंट प्रोट्रूडिंग एरियाज हैं जो कि उसकी तरफ टच होते जाते हैं जो उसकी तरफ एंट्री किए जा रहे हैं, पहला साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका एंड अ थर्ड टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं है व्हाई डज अर्थ हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन, क्यों होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस, वो टेम्परेचर कंडीशन ऑप्टिमम डिस्टेंस की वजह से, ऑप्टिमम डिस्टेंस की वजह से, ऑप्टिमम डिस्टेंस की वजह से। मेंशन एनी थ्री फ्यूचर्स ऑन द अर्थ, तुमने लोखंड वाला का पाव खाया है, ये फीचर्स पढ़ते पढ़ते है ना, कोई से भी तीन कोर आप यहाँ पे लिख देना, हमने तो बहुत सारे खाए हैं यहाँ पे, तीन फीचर्स पूछे हैं तीन फीचर्स बता देना। स्टेट हाउ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर प्लैनेट्स, इसके लिए आप इसी में से पॉइंट्स लिख देना, द अर्थ अर्थ और यूनिक प्लैनेट में ऐसे पॉइंट्स लिख देना। सर कैसे क्या क्या पॉइंट्स हो गए,
इसे डिफरेंस में आप लिख सकते हो कि अर्थ एक ऐसा है जहाँ पर ओनली लिविंग बींग्स रहती हैं, अर्थ एक ओनली ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, अर्थ एक ओनली ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर क्या कहते हैं सनलाइट ऑप्टिमम होती है। तो दो तीन पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये डिफरेंस आप लिख देना और कुछ डिफरेंस मत करना, ठीक है। एटमोसफेयर के ऊपर एटमोसफेयर के पॉइंट लिख देना, स्टेट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एटमोसफेयर, ये आपके यूनिकनेस में से आ जाएगा कि एटमोसफेयर की वजह से क्या होता है इतनी सारी लाइट्स तो हो पा रही हैं, पॉसिबल हो पा रही है, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है, इन्हीं की वजह से ऑल डिफरेंट तरह की लाइफ जो है वो इवॉल्व हो पा रही है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाटर इन मेकिंग द अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट, तो वाटर वाला पॉइंट लिख देना, ये वाटर वाले दो प्लैनेट्स हैं, ये वाला पॉइंट वहाँ पर लिख देना, ठीक है। इसे द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर वाला पॉइंट लिख देना, मिनरल्स वगैरह सारे हम यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा एक सपोर्ट देता है। नेम एनी थ्री फैक्टर्स विच हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो आप बैंड बता दो, ऑक्सीजन पहला तो क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, ऑक्सीजन वाटर और मैंने बुक में तो स्पेसिफिक टॉपिक दिया नहीं इसकी तरह से, आप यहाँ पर थर्ड फैक्टर है ना नाइट्रोजन, व्हाई द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन ऑवलेट स्फेरॉइड, तो बता देना कि वो जो उनके जो सरफेस होते हैं, सरफेस नहीं हूँ बेसिकली टॉपर बॉटम पोलर पोल्स वो कैसे होते हैं फ्लैट होते हैं, और जो सेंटर वाला एरिया होता है इक्वेटर वाला वो बल्जिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जियोड बोलते हैं, और जियोड का मतलब ही क्या होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, तो ये लिख देना वहाँ से। स्टेट एनी थ्री एविडेंस टू प्रूव दैट स्फेरिकल शेप, प्रूव द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, प्रूफ करने के लिए तो आपके पास स्फेरिकल शेप को कैसे प्रूफ करोगे, आप यहाँ से कोई भी तीन रीजन उठा लेना, यहाँ से कहीं से भी तीन के उठा लेना, आप से स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए, 10 से कोई भी तीन पॉइंट्स लिख देना वहाँ पर, ठीक है। बायोस्फीयर डिस्क्राइब कर दोगे, जियोड डिसाइड वो डिस्क्राइब कर दोगे, हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला ये डिस्क्राइब कर दोगे, एंटीपोडल बैलेंस भी डिस्क्राइब कर दोगे, अर्थ इज हैबिटेबल प्लैनेट ये भी ऊपर लिख दोगे ऊपर से, ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट चैप्टर के पिक्चर्स वगैरह सेंड कर देना, पिक्चर से बेटर रहेगा पीडीएफ आप मुझे सेंड करो, ठीक है।